स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राम मंदिर के गर्भगृह में श्री रामलला विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के विग्रह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त में रामलला की पूजा की और फिर 84 सेकंड के मुहूर्त में रामलला विराजमान हो गए। पीएम ने बाद में दिल्ली के आवास पर दीपक जलाकर दीपावली मनाई, दीपोत्सव मनाया और रामलला की तस्वीर पर पुष्प भी अर्पित किए। तो पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त में रामलला की पूजा की और फिर 84 सेकंड के मुहूर्त में रामलला विराजमान हो गए। चलिए सबसे पहले हम आपको रामलला के दर्शन करवाते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना दिव्य और भव्य राम मंदिर है। रामलला का दिव्य भव्य स्वरूप है। वहीं उसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे उन तस्वीरों को जिसमें पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की भगवान श्री राम की। पीएम मोदी की 8 तस्वीरें आज पूरी कहानी कह रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम चांदी के छत्र के साथ मंदिर पहुंचे, फिर गणेश जी की पूजा की और आगे रामलला के प्राण प्रतिष्ठित विधिवत उनको किया, चरणों में फूल चढ़ाए, अवध बिहारी की आरती की और फिर रामलला की परिक्रमा की और साष्टांग उनको प्रणाम भी किया। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 22 तारीख एक तारीख नहीं काल चक्र का उद्गम है। ये दिन देशवासियों में उत्साह और उमंग लेकर आया है। पीएम ने कहा कि सदियों के धैर्य के बाद राम का मंदिर मिला है और देश गुलामी की जंजीरों को तोड़कर उठ खड़ा हुआ है। पीएम ने कहा कि राम आग नहीं ऊर्जा है, साथ ही उन्होंने भगवान राम को समाधान बताया। कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है, राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है। रामलला अपने महल में विराजमान हो चुके हैं, लेकिन अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर अंदर से कैसा है? न्यूज 18 की टीम ने सबसे पहले मंदिर की भव्यता को अपने कैमरे में कैद किया। आप भी देखिए दिव्य और भव्य तस्वीरें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में प्रभु राम की इस भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो है उसका कार्यक्रम और पूजन संपन्न कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये कितना बेहद खूबसूरत बनाया गया है। बताया ये जाता है कि ये देश के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। जो यहाँ पर राम भक्त पहुंचेंगे उनको इस मार्ग से वापस मंदिर के भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो ये कैंपस है, अभी इसको कंप्लीट होने में 2026 तक का वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले जो है मंदिर का मुख्य जो हिस्सा है उसको बनाकर तैयार कर दिया गया, जो कि किसी महल से कम नहीं है। वही दिव्यता भव्यता आज देश के हर हिस्से में नजर आ रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का जिला हो या देश के अन्य प्रांत में। हर राम भक्त अपने घर में दीपावली मना रहा है, दीपक जला रहा है और भगवान राम के भजन गाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन नरेश सैनी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अयोध्या।
प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वीवीआईपी का जमावड़ा देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राम की भक्ति में अंबानी परिवार भाव विभोर दिखा। अंबानी परिवार ने आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2,51,00,000 रुपये का दान देने की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि आज भगवान राम का आगमन हो रहा है, 22 जनवरी को पूरे देश के लिए राम दिवाली होगी। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी भी अपनी पत्नी श्लोका मेहता के साथ राम मंदिर में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ये दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इस इवेंट में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट भी मौजूद थीं, वहीं ईशा अंबानी और उनके पति आनंद पीरामल भी मौजूद रहे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में उत्सव का माहौल है और पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। जबलपुर में मंत्री राकेश सिंह ने भी दीपोत्सव मनाया। अंबिकापुर में भी माहौल राममय हो गया। गांधी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम हुआ। 1,00,000 दीप जलाए गए, लोगों ने आतिशबाजी की और जय श्री राम के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। मैं अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में हूं और मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं, 1,00,000 यहां पर दिए जलाए गए हैं और पूरे जो ये गांधी स्टेडियम में जो राम भक्त हैं वो खचाखच भर रहे हुए हैं। जय श्री राम के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज रहा है और ये अभी शुरुआती कार्यक्रम है जहां पर जो महिलाएं हैं अंदर में स्टेडियम में वो जो है 1,00,000 दिए के साथ ये जो प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। इसके साथ भक्तिमय कार्यक्रम है, जो है आतिशबाजी का कार्यक्रम है और इसके साथ है लेजर लाइट की भी यहां पर व्यवस्था की गई है। पूरा दिवाली की तरह मनाया जा रहा है आज, जो 500 साल के बाद जो और आज जो है जिस तरह से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसका जो उत्साह है लोगों में सुबह से ही दिख रहा था। ऐसा कोई जगह नहीं था जहां पर भगवान राम की पूजा अर्चना नहीं की जा रही है और आज शाम जो है जिस तरह से यहाँ दीपोत्सव मनाया जा रहा है उससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह पे राममय हो चुका है पूरा सरगुजा। ये नजारा काफी खूबसूरत है और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, वो इस स्टेडियम में खचा खच भरे हुए हैं और आप ये नजारा देख के काफी यहाँ हर्षोत्साहित लोग हैं और राम के नारे से पूरा स्टेडियम गूंज रहा है। न्यूज 18 के लिए श्रवण मान, अंबिकापुर। राजनांदगांव के स्टेडियम में 2,50,000 से अधिक दिए जलाए गए। सैकड़ों की संख्या में शहर के लोग स्टेडियम पहुंचे और इस अद्भुत नजारे के साक्षी बने। अयोध्या में हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन लगातार जारी है। उसी में राजनांदगांव शहर भी अछूता नहीं है। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में लगभग 2,50,000 से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए हैं और यह दीप प्रज्वलित लगातार हो रहा है। वहीं आपको बता दूं कि आतिशबाजी भी हुई है और यह दीप जो है लगातार प्रज्वलित हो रही है और यह रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह कार्यक्रम का आयोजन शहर में किया गया है। राकेश यादव, न्यूज।